गढ़मुक्तेश्वर का एक लंबा और शानदार इतिहास है जो सामान्य युग से पहले का है। महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू साहित्य के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, जब हस्तिनापुर साम्राज्य भूमि पर हावी था। यह भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। भगवान राम के पूर्वज महाराज शिवी ने भगवान परशुराम की सहायता से शिव मंदिर की नींव रखी थी। उस समय यह स्थान खांडवी के नाम से प्रसिद्ध था। शिव मंदिर की स्थापना और महान वल्लभ वंश का केंद्र होने के कारण इस स्थान का नाम शिवल्लपुर पड़ा, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के भक्त जय और विजय को नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने कई धार्मिक स्थानों का दौरा किया लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। वे शिवल्लपुर आए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्त किया ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सके। यही कारण है कि इस स्थान को गढ़, भक्त, मुक्तेश्वर, मोक्ष प्राप्त कहा जाता है। इस स्थान पर दिवंगत आत्मा की अस्थियों के साथ जाना चाहिए ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सके। गंगा नदी के किनारे शहर में कुछ पलों के विश्राम के लिए आदर्श स्थान है। शांत जल की उपस्थिति, एक शांत वातावरण और दिव्य परिवेश सभी मेहमानों के लिए एक आरामदायक अनुभव में योगदान करते हैं। गंगा मंदिर, वेदांत मंदिर और हनुमान मंदिर शहर के कुछ मंदिर हैं। स्थानीय लोग इन सभी मंदिरों को दिव्य और मनोकामना पूर्ति के रूप में देखते हैं। गढ़ मेला भी एक कारण है कि गढ़मुक्तेश्वर जाना चाहिए। मेला पूरे एक सप्ताह तक चलता है। इस दिन तक लोग अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए दिवंगत आत्माओं की अस्थियां लेकर यहां आते हैं। कार्तिकी शुक्ल अष्टमी के दिन यहां गंगा में डुबकी लगानी चाहिए और मृत आत्मा की शांति के लिए तट पर गाय की पूजा करनी चाहिए। अस्थि विसर्जन, पूजन, पिंडदान और गढ़मुक्तेश्वर घूमने के लिए प्रायः पंडित्स पे बुकिंग उपलब्ध है। ओम शांति।